देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। फडणवीस और राज्य के अन्य मंत्रियों ने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते रहेंगे। मैं महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी से मिला, मैंने मेरा इस्तीफा आदरणीय राज्यपाल जी को सौंपा है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा महाराष्ट्र की जनता का, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र में सरकार चलाने का मौका हमको दिया। उन्होंने कहा कि सरकार न बनना जनादेश का अपमान है। इस्तीफा देने के बाद फडणवीस मीडिया से भी रूबरू हुए और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाए। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। फडणवीस ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में हमने जनता के विकास के लिए काफी काम किए, इसी काम के दम पर जनता ने फिर से एनडीए को चुना है। उन्होंने शिवसेना और उद्धव ठाकरे का भी आभार जताया कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। मैंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आभार भी व्यक्त किया था। शिवसेना के साथ 50-50 फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं वापिस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था। मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जारी गतिरोध के लिए फडणवीस ने शिवसेना को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने नहीं बल्कि शिवसेना ने चर्चा से इनकार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना लगातार मीडिया में बयान दे रही है लेकिन सिर्फ बयानबाजी से सरकार नहीं बनती। जहां तक इस अलायंस का सवाल है, हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी, हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया, उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार नहीं बना पाने के लिए वे माफी मांगते हैं लेकिन राज्य में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर खरीद फरोख्त के झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।